हाली लोहिया प्रभु का हो प्रभु की स्तुति हो हाली लोहिया ध थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जी थैंक यू फादर थैंक यू होली स्पीट धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो आपकी स्तुति हो आपकी स्तुति हो धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे प्रार्थना करेंगे हमारे जीवित तो और सामर्थ्य परमेश्वर पिता हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए आपकी करुणा के लिए जो प्यार परमेश्वर पिता हमारे जीवन पर हमारे परिवारों के ऊपर बनी रही और इसी कारण से पिता हम मिटने ही गए ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम जिंदों के जैन में पाए जाते हैं पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में आपने ये सुंदर अवसर दिया कि पिता परमेश्वर मैं आगरा मसी मंडली के इस पेज पर आकर प्रभु आपके वचन की सेवा कर सकूं सो पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए आपता साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पेज को संचालित करने वाले जो इसके ओनर हैं हमारे भाई आपके सेवक पाषा अनुपम डेविड सर बहन शबनम जी प्रभु आप इनको बहतायज से आशीष दें इनकी सेवकाई पर इनके पेज पर आपकी बरकत होने पाए इनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष होने पाए और इनकी सेवकाई के माध्यम से बहुत सारे जीवन मसीह आपके निकटता में लाए जाएं पिता परमेश्वर हम आज की शाम में अपने आप को अपने सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों तो में सौंपते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें और हमारी सहायता करें ताकि प्रभु हम आपकी सहायता से आपकी आराधना कर सकें आपके वचन को सुना सकें और सुन सकें हम सारे नेटवर्क को लाइट को सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं आप हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा और हरेक की रक्षा कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना मांग देते हैं पिता से आमीन आमीन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए एक बार फिर से और हमारे बीच में हमारे भाई अनुपम डेविड सर हैं मैं उनका अपने बीच में यीशु के मधुर नाम में स्वागत करता हूँ प्रभु आपको बहुत से आशीष दे आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे कितना हसीने वायदा ये किया खुदा बंद ने कितना हसीन वादा ये क्या खुदाबंद ने जहाँ दो याती जमा हूँ मैं हूँ हाँ जिर्न में जहाँ दो याती जमा हों मैं हूँ हाँ उन में आ अकेला ना छोड़ू मैं रु अपनी भेजो तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रो अपनी भेजो तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजो ईशु के सिवाय कब है बात कही किसने ईशु के सिवाए ये कब है बात कही किसने जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाँ जिर उन जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हा जिर उन में आरू आ, आरू आ, आरू आ आ आ दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना भरता उसको से अपनी जिसने उसे जाना भरता उसको रूसे अपनी जिसने उसे जाना जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने जिसका का बने है माली वो कलियां लगे खिलने जहाँ दोयाती जमा हूँ मैं हूँ हाँ उन में जहाँ या तीन जमा हूँ मैं हूँ हाँ उन में, उन में। आ आ रुआ आ रुवा, आ रूहे पाक जो हाजिर है और कहे रूहे पाक जो हाँ जिर है और कहे खुशाम दी इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तम जीत इज्जत दौलत हस्मत जिसकी उसकी करे तम जीत रू के शोले के जब फिर बदन लगे जलने रु शोले शोले के जब फिर बदन लगे जलने जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाँ जिर् उनमें जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हा जेरे उनमें हालेलुया मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आ, इस अच्छे मौसम के लिए गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है इस समय और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे मौसम के लिए और हमारे बीच में हमारी बहन रेणुका साइलेस और बहन रोहनी नायडू जी हैं मैं उनका भी आगरा मसीह मंडली के इस पर स्वागत करता हूं प्रभु उनको भी बहताय से आशीष दे और उनको अपने प्रेम में अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले जाए आइए हम आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है बहन सुषमा भी हमारे साथ हैं सुषमा मसीह प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे और उन्हें उनके परिवार को उनकी सेवकाई के ऊपर उसकी बड़ी आशीष होने पाए आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है यशाया नबी की किताब उसका तैतालीस अध्याय यशाया चैप्टर फोर्टी थ्री वर्स आ, वन टू टू यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है हे hey, इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिर्जन हार यह अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है तो मेरा ही है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी ये जीवित परमेश्वर का वचन है उसके पढ़े और सुने जाने पर उसके आशीष हो आमीन प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से प्रभु के प्रेम के लिए उसके अनुग्रह के लिए आज जो पद मैंने यहाँ पर पढ़ा है उसमें परमेश्वर का वचन एक बात अपने सेवक को सिखाना चाहता है और वो बात यह है कि वो कहता है कि तेरह सीजनहारी हवा अब यूं कहता है कि डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है डर हर एक मनुष्य के जीवन में ये जो डर नाम की चीज होती है हर एक जीवन में पाई जाती है लेकिन एक विश्वासी के डर में और एक जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनके डर में बहुत बड़ा अंतर होता है जो विश्वासी होते हैं जो परमेश्वर का डर मानते हैं भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें उनके लिए परमेश्वर ने रखी हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो आज हम उन लोगों के विषय में मनन और चिंतन करेंगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं और वो किस तरह की आशीषें हैं जो एक परमेश्वर का भय मानने वाले के जीवन में होता है और परमेश्वर उसको क्या आशीष देता है पहली जो आशीष है जो एक परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से आती है वो आशीष जो है वो ये है कि यदि हम भजन संहिता उसका तीन और उसका ग्यारह पद यहाँ पर निकाल कर पढ़ें भजन तीन ग्यारह तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है भजन तीन ग्यारह कि आ, भजन एक सौ सो तीन सॉरी भजन एक सौ तीन और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ग्यारह पद में बताता है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरोइयों के ऊपर प्रबल है परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा किसकी परमेश्वर की करुणा उसके दरवयों के ऊपर प्रबल रहती है ये जो प्रबल शब्द है ये इस बात को दिखाता है कि प्रबलता से बहताइज से प्रचुर मात्रा में परमेश्वर की जो आशीष है परमेश्वर की जो करुणा है वो उसके भय मानने वाले के जीवन में सर्वदा बनी रहती है और आ, वो कहीं भी रहे वो कहीं भी जाए परमेश्वर की जो करुणा है उसके जीवन में प्रचुरता से बहुतायत से उस परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन में और उसके परिवार में सर्वदा बनी रहती है चाहे वो कितने संकटों से घिर जाए चाहे वो कितनी समस्याओं से घिर जाए लेकिन जो परमेश्वर की करुणा है वो उसके जीवन से कभी नहीं अलग होती है क्योंकि ये किसका वायदा है ये हमारे और आपके सृष्ट करता परमेश्वर का वायदा है कि जो उससे डरते हैं उनके जीवन के ऊपर उसकी करुणा सर्वदा बनी रहती है दूसरी बात जो लोग परमेश्वर से डरते हैं दूसरी आशीष उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से क्या होती है भजन संहिता तैतीस और उसका अठारह पद भजन संहिता 33 अठारह और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो यहवा की दृष्टि उसके डरो पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है हमें और आपको कि यहवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है खुदा के लोगों बहुत बार जब मैं और आप अपने जीवन में परेशानियों में पड़ते हैं समस्याओं में पड़ते हैं तंग हाली में पड़ते हैं दुख और बीमारियों में पड़ते हैं तो जो व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर की करुणा के ऊपर आशा रखता है परमेश्वर की जो करुणा है वो मेरे जीवन के ऊपर बनी हुई है और इसलिए मैं नाश नहीं हूँगा ये जो जीवन की समस्याएं हैं ये जो दुख है ये जो बीमारी है ये जो तंगहाली है ये मेरे जीवन को नाश नहीं कर सकती है क्योंकि वो सर का जो परमेश्वर है उसकी करुणा उसके डरने वालों के ऊपर सर्वदा बनी रहती है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कि उन पर जो उसकी उसका भय मानते हैं उन डरने वालों के ऊपर उसकी करुणा सर्वदा बनी रहती है तीसरी जो आशीष है जो परमेश्वर के भय मानने वालों के जीवन के ऊपर बनी रहती है यदि हम भजन संहिता चौंतीस और उसके आ, नौ सात पद को देखें चौंतीस सात और यहाँ पर लिखा हुआ है हवा के डरवै के चारों ओर उसका दूध छावनी के वे उसको बचाता है हाल लोया सचमुच में बहुत बार ये अनुभव आपके जीवन में भी रहा होगा और मेरे जीवन में भी है कि बहुत बार आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं आप अपनी गाड़ी को अपनी कार को अपनी बाइक को या आप जिस साधन से जिस कन्विंस से आप जा रहे हैं बहुत बार इतने खतरनाक वाले एक्सीडेंट होते हैं आमने सामने वाले एक्सीडेंट होते हैं और उसमें आपने इस बात को पाया होगा कि आपके शरीर पर एक खरोच भी नहीं आने पाती है और सामने वाला जो है बहुत बार उस दुर्घटना में इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि कभी कभी वो अपने प्राणों को भी छोड़ देता है लेकिन जो खुदा के लोग हैं जो खुदा का भय मानते हैं उस व्यक्ति के चारों ओर खुदा का कलाम बताता है कि उसके स्वरदूत जो है छावनी डाले रहते हैं और उसको क्या करते हैं मानो घेरे रहते हैं और कोई भी खरोज जो है उसके शरीर पर नहीं आने पाती है ये क्यों होता है ऐसा क्योंकि ये परमेश्वर की करुणा है ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो अपने डर मानने वालों के जीवन में वो सर्वदा बना के रखता है और जब कभी खुदा के लोग अकेले में अपने परिवार के साथ कहीं भी जाते हैं कहीं भी आते हैं परमेश्वर अपने बचाने वाले सरदूतों को ये आज्ञा देता है ये हुक्म देता है कि तुम उनको प्रोटेक्ट करो तुम उनकी सुरक्षा में जाओ और उनको सुरक्षा प्रदान करो और हम बहुत बार ये अनुभव करने पाते हैं कि एक्सीडेंट होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने हमें हाथों से उठाकर एक किनारे रख दिया हो और हमारे शरीर पर ज़रा भी खरोच नहीं आने पाती है ये केवल और केवल परमेश्वर की करुणा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के जो सरदूत हैं वो उनकी क्या करते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं क्योंकि लिखा हुआ है यहवा के डरवयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की हुए उनको बचाता है एक दो दूत नहीं बचाते बल्कि लिखा हुआ छावनी किए हुए वो हमें और आपको चारों ओर से घेर लेता है और इसीलिए तो दाऊद कहता है कि वो मुझे छुटकारे के गीतों से घेरे रहता है क्यों क्योंकि जो खुदावन का डर मानते हैं खुदावन का भय मानते हैं खुदावन अपने लोगों को ऐसी ही सुरक्षा प्रदान करता है और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मडर देख मैं तेरे साथ हूँ मडर देख मैं तेरे साथ हूँ तो वो आज आ, कौन सी चीज है वो कौन सी समस्या है वो कौन सी बीमारी है वो कौन सा आ, दुख है आपके जीवन में जो आपको डरा रहा है भयभीत कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप नाश हो जाएंगे आ, आप इस बात के ऊपर भरोसा रखें कि आप जिसका भय मानते हैं जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको इन सब से निकालने की सामर्थ रखता है मालूम है खुदा के लोगों खुदा के कलाम में हम एक बहुत अच्छी बात को पाते हैं कि एक जवान है बाइबल में जिसका नाम है डैनियल और ये खुदावन के के ऊपर भरोसा रखता है खुदावन का भय मानता है उसका डर मानता है और एक दिन इसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई और समस्या ये थी कि जब उसने राजा के हुक्म के अनुसार उस बुत के आगे सजदा नहीं किया तो उसे गर्म तहतते हुए भट्टे में डाल दिया गया और मालूम है खुदा के लोगों कि जब उसको डाला गया तो उसके दो और मित्र थे उनको भी डाला गया क्योंकि वो भी उस आसमान के खुदा का डर मानते थे और खुदा का कलाम डनल नबी की किताब में मुझे और आपको बताता है कि जब वो उस आग के भट्टे में घूम रहे थे तो उनके साथ एक और व्यक्ति था चौथा व्यक्ति जो उनके साथ साथ था और जो उनकी सुरक्षा कर रहा था और जब राजा ने इस बात को देखा तो वो भयभीत हो गया उसने कहा इनको बाहर निकालो मालूम है खुदा के लोगों वो उन तीन खुदा के डरने वालों को उस भट्टे में डालने वाले झुलस गए निकालने वाले झुलस गए लेकिन जब खुदा के इन डरने वालों को बाहर निकाला गया खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ना तो उनके बाल जले और ना ही उनके जुराब उनके मोजे जले और उनको कोई भी हानि नहीं हुई क्यों क्योंकि वो आसमान का खुदा फैम उनको बचाने के लिए वहाँ पर आ गया खुदा अपने लोगों को जो खुदा का भय मानते हैं खौफ मानते हैं वो उनकी इसी तरह से मदद करता है सहायता करता है उस आग के भट्टे में कोई नहीं था जो इनको बचा लेता जो इनको इनको सुरक्षा देता लेकिन वो आसमान का खुदा स्वयं उनके लिए उनकी सुरक्षा बनकर आ गया खुदा के लोगों आज यदि कोई बात आपको भयभीत कर रही है कोई बीमारी है जो आपको भयभीत कर रही है कोई संकट है कोई समस्या है कोई आ, 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 ऐसी प्रॉब्लम है आपके जीवन में जो आपको डरा रही है और आप खुदा का भय मानते हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है खुदा कहता है मेरे पर भरोसा रखो मेरी जो करुणा है मेरी जो दया है वो तुम्हारे जीवन से कभी नहीं हटेगी और मैं तुम्हारे उस समस्या में तुम्हारा निकास करूंगा और तुम्हें उसमें से निकाल कर बाहर ले आऊंगा आई हम एक और आ, बात को यहाँ पर देखें कि न केवल परमेश्वर की करुणा उसके डरने वालों पर बनी रहती है न केवल परमेश्वर की नज़र अपने डरने वालों पर बनी रहती है बल्कि परमेश्वर अपने डरने वालों को सुरक्षा प्रदान करता है और चौथी बात भजन संहिता चौंतीस नौ यदि हम पढ़ें भजन संहिता चौंतीस और उसका नौ पद और यहाँ पर लिखा हुआ है हे यहाँ के पवित्र लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती यह खुदा का कलाम है जो सच्चा है और जो खुदावंद कह रहा है वो इन वायदों को अपने डरने वालों के जीवन में हंड्रेड परसेंट पूरा करता है और वो कह रहा है कि उसके दरवाजों को किसी बात की घटी नहीं होती है मालूम है खुदा के लोगों कि उसके डरने वालों को घटी नहीं होती है परमेश्वर आवश्यकता की पूर्ति करता है अपने लोगों की बहुत बार देखा गया है कि जो लोग खुदा का भय नहीं मानते खुदा को जानते नहीं खुदा के आ, हमेशा खुदा के विरोध में चलते हैं वे बहुत सुख से रहते हैं बहुत आराम से रहते हैं लेकिन बहुत बार देखा गया है जो खुदा के लोग खुदावन के भय और डर में चलते हैं बहुत बार उनके जीवन में कमी तंगी गरीबी परेशानी समस्याएं ये बहताइ से आती हैं लेकिन मालूम है खुदा के लोगों खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये सब आती तो हैं लेकिन उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती है वो घटी में तो पढ़ते हैं वो कंगाली में तो जाते हैं लेकिन उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है वो आसमान का खुदा जो उन गौरियों को उन चिड़ियों को खिलाता है जो बहुत सस्ती हुआ करती हैं जब खुदा के लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो आसमान का खुदा जो है अपने डरने वालों को भी उनकी वो उनसे कहीं बढ़कर हैं और खुदावन जो है अपने डरने वालों की चिंता करता है और उनको भोजन मुहैया कराता है उनकी जरूरतों को पूरा करता है और इसलिए वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है और वो कहता है कि इन गौरइयों को देखो तुम तो इस इनसे कहीं बढ़कर हो और खुदा हमारी ऐसी चिंता करता है और वो कहता है आगे दस पद में कि जवान सिंगों को तो घटी होती है हरे लिया जवान सिंह को तो घटी होती जो जंगल में जो जंगल का राजा होता है जिसके पास ताकत है जिसके पास अधिकार है जो सबको दबा सकता है मार सकता है खा सकता है उसको भी कभी कभी घटी हो जाती है और वे भूखे भी रह जाते हैं मतलब मालूम है आपको परंतु परंतु यहवा के खोजियों को यहवा का भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है खुदा का कलाम कहता है यदि ये, ये बात आपको अनहोनी लग रही है तो खुदा का कलाम कहता है परख कर देखो कि यह कैसा भला है परख कर देखो चख कर देखो वो चैलेंज देता है कि परख कर देखो छक कर देखो और तब तुम जान लोगे कि वो खुदावन जो तुमसे ये बातें कह रहा है वो अपने वायदों में सच्चा है और वो अपने डरने वालों को अपने भय मानने वालों को कभी धोखा नहीं देता है क्या आज हमारे जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी घटी चल रही हो कमी चल रही हो लेकिन यदि आप खुदा का भय मानते हैं तो वो आसमान का खुदा जो है आपके उन बर्तनों को जिन्हें देखकर आपको डर लग रहा है कि ये खाली है वो आसमान का खुदा क्या करेगा उन बर्तनों को भर देगा मालूम है खुदा के लोगों खुदा के कलाम में इतने अच्छे अच्छे घटनाएं लिखी हुई हैं जब हम उनको पढ़ते हैं हमारा विश्वास और खुदा के ऊपर बढ़ जाता है हम और ज्यादा उससे मोहब्बत करने का दिल करता है और और ज्यादा हमें अपने जीवन को उसके हाथों में देने का मन करता है खुदा के लोगों एक बार खुदा का खादिन था वो एक ऐसी स्त्री के पास गया जो बेवा थी उसके पास एक ही बेटा था और वो उससे रोटी मांगने लगा लेकिन इस बेवा ने बड़े शर्माते हुए बड़े डरते हुए इस खुदा के खादिन से कहा कि स्वामी मेरे पास थोड़ा सा आटा है और मैं ये लकड़ियाँ बीन रही हूँ घर जाऊँगी और उनसे एक रोटी बनाऊँगी अपने बेटे को खिलाऊंगी मैं खाऊंगी और मर जाऊँगी यही उसकी उम्मीद लेकिन मालूम है कि खुदा के खादिम ने कहा तू जा और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कर अब ये स्त्री इसने खुदा के खादिम के उस कलाम के ऊपर उस वायदे के ऊपर विश्वास किया और खुदा का कलाम हमें एक बड़ी अच्छी बात बताता है कि वो उस बॉक्स में से आटे को निकालती गई तेल को निकालती गई और लिखा हुआ है कि उसका ना तो आटा खत्म हुआ और ना ही कुप्पी का तेल खत्म हुआ वो आसमान का खुदांद जो सारी बरकतों का देने वाला है अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है और लिखा हुआ है कि पूरे पूरेपत में मौत छाई हुई थी लेकिन इस औरत के घर में इस बेवा के घर में जश्न हो रहा था मानो और वो जश्न मना रहे थे और खुदावन उनको खिला रहा था तो खुदा के लोगों जो खुदा का भय मानते हैं खुदावन उनको कभी नहीं छोड़ता है और वो उनकी पूर्ति करता है और जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं लेकिन यहाँ के खोजियों को उससे डरने वालों को किसी भली वस्तु की घट या कमी नहीं होती है आइए हम आगे चलें और यहाँ पर हम देखते हैं आ, यदि हम यशाए नबी की किताब बारा अध्याय बारह और वहां पर हम एक पद को देखना चाहते हैं और यहां पर लिखा हुआ है यशाय बारह तीन तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे उस दिन तुम कहोगे यहवा की स्तुति करो उससे प्रार्थना करो सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है हमारा जो आसमान का खुदा है वो जिद्दला है वो महान है और खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे कोई प्यास बाकी नहीं रह जाएगी खुदा हमें और आपको हर उत्तम चीजों से तृप्त करेगा करेगा और हमें वो तृत करके आनंद में लेकर चलेगा जो उससे डरने वाले हैं आइए हम आगे चलकर और एक एक दो बातों को देखेंगे कि उसके डरने वालों को वो सुरक्षा देता है उसके डरने वालों को घटी नहीं होती है और वो उनकी पूर्ति करता है और दूसरी बात है परमेश्वर अपने डरने वालों पे अपने रहस्यों को क्या करता है खोलता है बहुत बार खुदा के जो डरने वाले लोग हैं वो जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं बाइबल में बहुत सारी बातें इस तरह से लिखी हुई हैं कि बहुत बार वो हमारे और आपकी समझ में नहीं आती हैं और वो सारी बातें हमें एक रहस्य के समान मालूम पड़ती हैं लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जो लोग खुदावन से डरते हैं खुदावन अपने रहस्यों को या यूं कहें कि खुदावन अपने दिल की बातों को उनके साथ शेयर करता है जो उससे डरते हैं उदाहरण के लिए भजन संहिता 25 हम यदि देखें 25 चौदह तो भजन संहिता पच्चीस चौदह में लिखा हुआ है यहवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं यहवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं जो लोग खुदा से नहीं डरते हैं जो लोग खुदा का खौफ नहीं मानते हैं उनके लिए ये एक बंद किताब है उनके लिए ये जो प्रतिज्ञाएं हैं खुदा के जो वायदे हैं ये सब एक बंद किताब के मानंद हैं लेकिन जो लोग खुदा का खौफ मानते हैं उनके लिए खुदा क्या करता है उन रहस्यों को खोल देता है और खुदा के डरने वाले उन सारी बातों को आत्मा में समझने पाते हैं और जब वो समझने पाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है बहुत बड़ा उन्हें आराम मिलता है कि उनका जो खुदावंद है वो उनके साथ है तो खुदा के लोगों यदि आज हमारे आ, हम मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि ये वाली बात समझ में नहीं आती है खुदा हर एक अपने डरने वालों पर अपने रहस्यों को खोलता है आप खुदा के जितना डर भय में बढ़ेंगे खुदा अपने रहस्यों को खोलता जाएगा और अपने दिल की बात को वो आपसे करेगा खुदावन कभी भी अपने दिल की बात सबसे नहीं करता है वो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनसे वो अपने दिल की बातों को कह सके मालूम है शैम्बल को एक बार बहुत बड़ा काम दिया खुदावन ने कि मैंने एक व्यक्ति को चुना है अपने लिए और जा तो उसको मसा करके आ सैबल जाता है और इंसानी आँखों से देखता है कि उस परिवार में काफ़ी जवान थे जो एक से एक ख़ूबसूरत बलिष्ट लंबे चौड़े और शैबल देखता है जब पहले लड़के को देखता है कहता है हाँ यही होगा ये हैंडसम भी है तगड़ा भी है लंबा भी है यही होगा लेकिन खुदान कहता नहीं ये नहीं है और ऐसे करते करते सारे भाई रिजेक्ट हो जाते हैं और मालूम है अंत में सैम्बल को पूछना पड़ता है कि क्या कोई और भी है तेरा बेटा तब उसका बाप कहता है एक छोटा बेटा है जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने गया है सैमल कहता उसको बुलाओ उसको बुलाया जाता है और तब वो सैमल से कहता है इसका अभिषेक कर इसको मेरे मेरे मन के अनुसार। ये मेरे मन के के अनुसार अनुसार है जो है 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 मालूम जो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिससे वो अपने मन की बातों को कह सके अपने रहस्यों को उसको बता सके क्योंकि खुदा ने मसीन ने क्या कहा मैंने तुम्हें मित्र नहीं मैंने तुम्हें भाई नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दास नहीं मैंने तुमको भाई कहा है और मैंने तुमको अपना मित्र कहा है और जैसे एक मित्र अपने मित्र को अपने दिल की सारी बातों को बताता है परमेश्वर को जब ऐसा व्यक्ति मिल जाता है परमेश्वर भी अपने दिल की बातों को उससे बताता है और उसके ऊपर खोलता है तो खुदा के लोगो वो खुदावन अपने डरने वालों को ऊपर अपने रहस्यों को खोलता है आइए हम एक और बात को देखेंगे भजन संहिता एक सौ भजन संहिता एक सौ और यहाँ पर लिखा हुआ है एक सौ में यह सबों के लिए भला है उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है यह सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है मालूम है खुदा के लोगों ना वो केवल हम पर अपने रहस्यों को खोलता है बल्कि परमेश्वर अपने डरने वालों की इच्छाओं को क्या करता है पूर्ण करता है परमेश्वर अपने डरने वालों की इच्छाओं को पूर्ण करता है उन्नीस पद को पढ़ें वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 145 भजन और उसके 19 आयत में कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है खुदा के लोगों को ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इस पद को बहुत बार आजमाया है खुदा का कलाम कहता है ना परख कर देखो तो बहुत बार मैंने भी परखा मैं आपको एक सत्य अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ यदि मैं गलत नहीं हूँ भूल नहीं रहा हूँ तो 1982 की बात है हमारे देश की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उनकी हत्या हो जाती है और उस रात मैं सफ़र में था और मुझे लखनऊ आना था अप, अपने कार्य के स्थल पर खुदावन किसी तरह मैं खुदा में सलामती के साथ अपने टीम हाउस पहुंच गया क्योंकि मैं वहां पर रहकर प्रभु की सेवा कर रहा था और पूरे लखनऊ में कर्फ्यू लग गया और ना ही सब्जी मिल रही थी ना ही कुछ और मिल रहा था और मालूम है आपको काफ़ी दिन हो गए हम लोग को सब्ज़ी खाते हुए दो तीन दिन हो गए और मन थोड़ा सा उबने लगा सब्जी खाते खाते और तभी मैंने कहा खुदा बाप क्या ही अच्छा होता यदि आज मटन मिल जाता कहीं से और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी क्षण दरवाज़े पे किसी ने नॉक किया और एक भाई आया और उसने कहा कि वो जो पास वाली दुकान है वहाँ पर उसने चुप्पे से दुकान खोली है और वो मीट बेच रहा है आपको चाहिए तो आप जाकर ले सकते हैं बस मेरे टीम लीडर ने जल्दी से पैसे निकाले और वो गए और मीट लेकर आए और फिर हम लोगों ने उसको बनाया खाया तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों की इच्छाओं को क्या करता है पूर्ण करता है चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो, चारों तरफ बंदी हो चारों तरफ कुछ ना हो लेकिन यदि आपके मन में ये इच्छा आ गई कि आज मुझे ये चाहिए ये खास मिल जाता तो कितना अच्छा होता खुदावन आपकी उस इच्छा को जो है ज़रूर पूरा करता पूरा करता है ये तो थी खाने की बात लेकिन और जो कुछ भी आप अपने खुदावन से इच्छा करते हैं अपने हृदय में अपने हृदय में बस आप सोचते ही हैं मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत महंगी है और वो आपके वश के बाहर है जैसे ये मटन हमारे वश के बाहर था आपको कोई और चीज़ चाहिए और आपने इच्छा करी है खुदावन जो है आपके उस इच्छा को यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन है तो उसको वो जरूर पूरा करता है क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूर्ण पूर्ण करता है और परमेश्वर जो है हमारी आवश्यकता को पूरा करता है हमारा जो खुदावंद है वह ऐसा खुदावंद नहीं है कि हम कुछ भी उससे मांगें अपने स्वार्थ के लिए और वो पूरा कर दे नहीं वो हमारी इच्छा पूरी करता है और वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है तो खुदावन जो है हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला खुदावन है क्योंकि भजन संहिता में दाऊद कहता है वो अपने डरवै की इच्छा पूरी करता है आज वो आपकी कौन सी इच्छा है वो कौन सी अभिलाषा है जिसे आप अपने हृदय में लिए हो सकता है आपके बच्चों के लिए हो, हो सकता है आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हो हो सकता है आप अभी अभी अपने करियर को बनाना आपने आरंभ किया है आपने अपनी पढ़ाई को खत्म किया है वो कौन सी इच्छा है आपके जीवन में जिसे आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए पूरा करे तो आज इस बात को इस कलाम को आप गांठ बांध लीजिए कि वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरा करता है और वो आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा ये खुदा का कलाम है ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है और आइए अंतिम बात हम देख लें आ, कि भजन संहिता एक सौ सैतालीस ग्यारह और यहाँ पर लिखा हुआ है यह अपने डरवैय ही से प्रसन्न होता है अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं यह वह अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है परमेश्वर अपने डरने वालों से प्रसन्न होता है खुदा के लोगों जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि खुदावन जो है उनके माल से प्रसन्न होता है उनके दान दक्षिणा से प्रसन्न होता है उनके धार्मिक कामों से प्रसन्न होता है तो आज इस बात को सुन लें कि परमेश्वर अपने डरने वालों से प्रसन्न होता है हमारा सोना हमारी चांदी हमारी धार्मिकता खुदावंत को प्रसन्न नहीं करती है यदि कुछ उसको प्रसन्न करता है तो वह है जब एक खुदा का बेटा बेटी खुदा का सेवक सेविका एक खुदा का बेटा जब अपने पिता का अपने परमेश्वर का भय मानता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है किसी और बात से वो आसमान का खुदा कभी प्रसन्न नहीं होता है इसलिए खुदा का कलाम चाहता है कि हम हमेशा खुदावन से डरे हर एक उस काम को करने से पहले जो खुदा को पसंद नहीं है और जब कभी हमारे सामने यह अभिलाषा आए ये परीक्षा आए कि मैं उस काम को करूं जो खुदा को पसंद नहीं है खुदा के भय में हो जाइए खुदा के खौफ में हो जाइए और आप पाएंगे ये ऐसा करने पर वो आसमान का खुदा जो आपको देख रहा है जिसकी नज़रें आपको देख रही हैं वो आपसे प्रसन्न होगा खुश होगा और वो आपको आशीष देगा मालूम है बहुत बार हम अपने लाभ के लिए अपनी खुशी के लिए बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं खुदावन के भय को एक किनारे रख देते हैं लेकिन जब हम उसका भय मानते हैं तो वो खुदावन मुझसे और आपसे प्रसन्न होता है आखिरी उदाहरण मैं आपको दूंगा और उसके बाद मैं समाप्त करने जा रहा हूं मालूम है खुदा के लोगों बाइबल में एक ऐसा जवान है जिसका नाम यूसुफ है और परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ गुलामी में है और अपने मालिक के घर में है और उसके मालिक ने अपनी पत्नी को छोड़ सारा अधिकार यूसुफ को दे रखा है लेकिन कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि उस धनवान व्यक्ति की जो पत्नी है उसका मन सीधा नहीं है और वो यूसुफ पे बुरी नज़र रखती है लेकिन हम देखते हैं कि जिस दिन वो यूसुफ के साथ जबरदस्ती करती है यूसुफ एक ऐसा जवान था जो खुदा का खौफ मानता था खुदा से डरता था वो अपने वस्त्रों को छोड़कर उस स्त्री के पास से भाग गया और मालूम है ये बात कहीं ना कहीं खुदावन को बहुत अच्छी लगी बहुत पसंद आई और खुदावन ने उसको सरफराज किया खुदावन ने उसको बड़ी बुलंदियों तक पहुंचाया मालूम है एक लड़का जो गुलामी में आया और गुलामी के बाद वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया कितनी बड़ी बरकत खुदावन ने यूसुफ को दी क्यों क्यों दी क्योंकि वो खुदा का खौफ मानता था खुदा का भय मानता था और उसने अपने आप को कभी भी उस पवित्रता के आगे उस पवित्रता को गंदा नहीं होने दिया और वो लगातार खुदा के खौफ में बना रहा खुदा के लोगों खुदावन अपने डरने वालों को न केवल जो डर मानते हैं उन्हें आशीषें देता है जो उसका जो उसकी करुणा उसके डरने वालों के ऊपर बनी रहती है परमेश्वर की नज़र अपने डरने वालों पे बनी रहती है परमेश्वर अपने डरने वालों को सुरक्षा देता है परमेश्वर अपने डरने वालों की घटी कमी को उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है परमेश्वर अपने डरने वालों पे अपने रहस्यों को खोलता है और परमेश्वर अपने डरने वालों की इच्छाओं को पूर्ण करता है और परमेश्वर अपने डरने वालों से प्रसन्न होता है खुदा के लोगों आज मैं और आप क्या खुदा के खौफ में बने हुए हैं खुदा के खौफ में हम बने रहते हैं और यदि बने रहते हैं तो मुबारक हैं आप क्योंकि खुदा की जो बरकतें हैं वो तो आपके नाम लिख दी गई हैं और जो जीवन खुदा का खौफ नहीं मानते हैं और वो यूं ही गुनह में पाप में अपने जीवन को जी जा रहे हैं खुदा का कलाम उन्हें इस बात को कहता है कि खुदा का खौफ मानो, खुदा का भय मानो, क्योंकि वो खुदावन जो सच्चा है जीवित है हमें एक दिन उसके सामने खड़ा होना है और यदि हम आज गुनाह में चल रहे हैं तो उस आसमान के खुदा ने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और उस बेटे ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस के ऊपर वो बलिदान हो गया और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी और हमारे गुनाहों को उसने धो डाला आज जो भी विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आता है और कहता है मैं पापी हूँ मुझे अपना भय मानना सीखा वह आसमान का खुदा यीशु मसीह आप पे अनुग्रह करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी अपने गुनाह में अपने पाप में नाश हो जाए और वो चाहता है कि हर एक जान खुदावन के लोग बन जाएं और उसका भय मानने वाले बन जाएं और उसको प्रसन्न करने वाले बन जाए खुदा आपको बड़ी बरकत दे और ख़ास तौर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज को बड़ी बरकत दे और आप सबको जो हमारे साथ जुड़े रहे प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और हमारी दुआ है कि खुदावन आपके जीवन में यदि कोई भी किसी भी तरह की समस्या है परेशानी है हमने देखा है कि जो लोग उसका डर मानते हैं खुदा उन्हें कभी नहीं छोड़ता है और वो सर्वदा उनके साथ रहता है और उनका उनकी परेशानियों से निकास करता है बस हम भय मानते रहें और उसके साथ बने रहें आइए हम दुआ मांगे हमारे ज़िंदा आसमानी बाप हम आपके कलाम के लिए आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि खुदाउंद आपका कलाम ही है जो हमें ज़िंदगी बख्शता है खुदावंद और हमें इस बात को सिखाता है कि जो जान खुदावन का खौफ मानती है उनसे खुदावन कोई भी अच्छी चीज रख नहीं छोड़ता बल्कि न केवल उन्हें देता है बल्कि उनकी आने वाली पुस्तों को भी वो अपनी बरकतों से परिपूर्ण करता है इसलिए होने दे खुदावन कि हम सब तेरे भय में बने रहें और उसमें बढ़ते जाए अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और ये वचन हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए हर एक को आशीर्दी यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं आमीन आमीन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए आप हमारे साथ बने रहे आ, कल रविवार है आ, प्रभु की आराधना का दिन है कल शाम पाँच बजे मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर एक बार फिर से खुदा ने चाह तो उपस्थित होंगे यदि आपको समय मिलता है तो आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं प्रभु आप सबको और आपके परिवार को बहुत आयस्य सबको जय मह